देश का हर आम नागरिक जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री कितना पैसा कमाते हैं और कितना बचाते हैं और उनकी संपत्ति कितनी है। अगर आपकी दिलचस्पी इन बातों में है तो पीएम मोदी ने इस बात से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी अपनी संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी दी है। इस वीडियो में हम आपको पीएम मोदी और अमित शाह की संपत्ति, उनकी इनकम और उन्होंने कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2020 में संपत्ति पिछले साल यानी 2019 के मुकाबले 36 लाख बढ़ी है। पीएम मोदी की ओर से जारी संपत्ति के ताजा घोषणा पत्र के मुताबिक 30 जून 2020 में उनकी कुल संपत्ति 2,85,00,000 है। ये संपत्ति पिछले साल 2,49,00,000 रुपए थी। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है कि उनकी अचल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ। पीएम ने गांधीनगर में 1,01,00,000 रुपए के प्लाट और घर होने की बात कही है। परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा से ये भी पता चलता है कि उन्होंने एनएससी में अधिक निवेश किया है। उनका बीमा प्रीमियम कम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचत खाते में 30 जून को 3,38,000 रुपए थे। उन्होंने जून के अंत में 31,450 रुपए नगद अपने पास रखे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की गांधीनगर शाखा में उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट राशि 30 जून 2020 तक बढ़कर 1,60,28,039 रुपए हो गई है, जो पिछले साल 1,27,81,574 रुपए थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए दिए हलफनामे में उन्होंने इसकी घोषणा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के पास कोई देनदारियां यानी लोन नहीं है। उनके पास कार नहीं है। उनके पास सोने की चार अंगूठियां हैं। प्रधानमंत्री 8,43,124 रुपए के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से टैक्स सेविंग करते हैं। अपने जीवन बीमा के लिए 1,50,957 रुपए का प्रीमियर चुकाते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए 7,61,646 और जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में 1,90,347 रुपए का भुगतान किया है। बता दें कि कोरोना के कारण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों और संसद सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री के वेतन में भी 30% की कटौती की गई है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति में कमी आई है। पिछले साल तक शाह की संपत्ति 32,03,00,000 रुपए थी। जून 2020 में घटकर 28,63,00,000 रुपए रह गई है। घोषणा पत्र के मुताबिक अमित शाह के पास 10 अचल संपत्तियां हैं जिनकी कुल वैल्यू 13,56,00,000 रुपए है। उनके पास 15,814 रुपए कैश है, 1,00,00,000 रुपए बैंक बैलेंस है। इंश्योरेंस पेंशन पॉलिसीज को मिलाकर कुल 13,47,000 रुपए हैं। 2,79,000 रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में हैं। वहीं 44,47,000 की ज्वेलरी है। बता दें कि 2020 में शेयर मार्केट में गिरावट की वजह से अमित शाह की संपत्ति में गिरावट दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने अपनी संपत्तियों का खुलासा किया है। रामदास अठावले, बाबुल सुप्रियो और प्रताप चंद्र सारंगी सहित कुछ जूनियर मंत्रियों ने अभी तक घोषणा नहीं की है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अपनी संपत्तियों की जानकारी क्यों दे रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों की संपत्तियों का ब्यौरा देने की व्यवस्था 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शुरू हुई थी। सांसदों को भी अपने परिवार की आय का ब्यौरा हर साल देना होता है। वाजपेयी सरकार ने सार्वजनिक जीवन में अधिक पारदर्शिता के लिए ये कदम उठाया था। साथ ही चुनाव नामांकन फॉर्म भरते समय सभी नेताओं को संपत्ति और देनदारियों का एक हलफनामा देना होता है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के बाद से सभी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी सालाना आय की जानकारी सार्वजनिक करनी अनिवार्य है। इसमें बाबू से लेकर IAS, IPS, PCS समेत सभी बड़े पद शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।